नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चूहे किसी को पसंद नहीं होते क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो खेत में हो या घरों में। उसके द्वारा मचाया गया आतंक परेशान करके रख देता है और चूहों से प्लेग जैसा गंभीर रोग भी फैल सकता है। तो आज हम जानेंगे चूहों को मारने के और भगाने के कुछ उपायों के बारे में। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यह एग्रीकल्चरल चैनल है, इसलिए हम इस सबसे पहले बात करेंगे खेत के बारे में कि चूहों से फसलों को कैसे बचाएं। तो इस ट्रिक को खेत में समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको कागज पर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरे खेत में चक्कर लगाकर पता करना है कि कहां कहां पर चूहों ने बिल बनाए हैं। तो इस राउंड को आप चूहों के बिल समझिए। और बाद में इन सारे बिलों को हमें मिट्टी से बंद कर देना है। यह देखिए, इस प्रकार से हमें सारे बिलों को बंद कर देना है और अब हमें अगले दिन तक का वेट करना है। अब दूसरे दिन हमें फिर से सारे बिलों को चेक करना है। देखिए, इसे खुला हुआ बिल समझिए। यह भी खुला हुआ है, यह भी, ये वाला और यह बिल भी खुला हुआ है। और बाकी सारे चूहों के बिल बंद है। तो जो बिल खुले हैं उसका मतलब है कि उस बिल में चूहे रहते हैं, उसका आना जाना चालू है और बंद बिलों को चूहे छोड़ चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ इन खुले बिलों के ऊपर ही काम करना है। आप इन खुले बिलों के पास कुछ लकड़ी वगैरह गाड़ के निशान बना लें ताकि आपको याद रहे। तो अब हमें इन खुले बिलों के पास में पके हुए चावल या चने थोड़ी थोड़ी मात्रा में रख देने हैं। दाने आप किसी भी पेपर पे रखिए। देखिए, इस प्रकार से हमें चूहों के लिए चारा डालना है। सारे खुले बिलों के पास हमें चारा डाल देना है। ऐसा हमें करना है 3 दिनों तक। इससे क्या होगा, चूहों को दाने खाने की आदत सी पड़ जाएगी। तैयार खाना मिल रहा है इसलिए वो बिल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और अब 4वें दिन भी हमें दाने यानी चारा तो डालना है, लेकिन उस दानों में हमें जहर मिलाना है। दानों में चूहे मारने की दवाई मिला देनी है। रोज की तरह चूहा बिल से निकलकर उस जहर वाले दानों को खा जाएगा और मर जाएगा। इस ट्रिक से खेत के सारे चूहे मर जाएंगे और चूहों से हमारी फसलों की सुरक्षा भी हो जाएगी। अब चूहों को मारने या भगाने के कुछ जैविक उपाय। तो आपके घरों में जहां से चूहे ज्यादा आते हैं यानी चूहों के आने जाने वाली जगहों पर खाने में यूज होने वाली लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा थोड़ा डाल दें। लाल मिर्च चूहों को पसंद नहीं है और उससे परेशान होकर चूहे आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे। चूहों को मीठा खाना भी बहुत पसंद होता है, तो अब हमें रुई यानी कॉटन का प्रयोग करना है। रुई के छोटे छोटे बॉल या गोली बनाकर उसे किसी भी मीठी चीज में भिगोना है। तो इसके लिए आप चीनी की चाशनी या फिर जलेबी का पाक का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉटन की गोलियों को चाशनी में अच्छे से भिगोकर खेत में या घरों में चूहे के बिल या उसके आने जाने वाले रास्तों में रख देना है। चूहा उसे बहुत ही आसानी से खा जाएगा। खाने के बाद वह रुई की गोली चूहों के आंतों में फंस जाती है और कुछ ही समय के बाद चूहा मर जाता है। आप इंसानों के बाल का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि इंसानों के बाल से भी चूहे भागते हैं, क्योंकि बालों को निगलने से चूहों की मौत हो सकती है।
इसलिए वह बालों के पास जाने से भी डरता है। तो उसके लिए उसके आने जाने वाले रास्तों में आप बालों को भी डाल सकते हो। प्याज और तेज पत्ता की खुशबू भी चूहों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए चूहों की आने जाने वाली जगहों पर प्याज के टुकड़े या फिर तेज पत्ता रख देने से चूहे भाग जाएंगे। चूहे खेतों में फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ घरों में भी काफ़ी नुकसान करके रख देते हैं और उसके मल मूत्र से घर की चीज़ें, अनाज या खाने पीने की चीज़ें भी प्रदूषित होती है, जिससे काफ़ी गंभीर बीमारियां भी फैलती है। तो उम्मीद है कि यह ट्रिक्स आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। जय किसान, जय हिंद।